Let's revise biomolecules. So what is carbohydrates? देखो carbohydrates polyhydroxyaldehydes और ketones होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? Polyhydroxy का मतलब होता है उसके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप होंगे with aldehyde और ketone ग्रुप के साथ. And carbohydrates को saccharides भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो तीन कैटेगरी में क्लासिफाई होता है. फर्स्ट है मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. देखो मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एटसेट्रा. नेक्स्ट ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड देने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पर देते हैं. जैसे डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड देगा हाइड्रोलिसिस पर, फॉर एग्जांपल सुक्रोज एंड लैक्टोज. नेक्स्ट ट्राइसैकेराइड, ये 3 मोनोसैकेराइड देगा हाइड्रोलिसिस पर, जैसे रेफिनोज. नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड जो बहुत ज्यादा अमाउंट में मोनोसैकेराइड देता है, जैसे स्टार्च, ये एन अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड दे सकता है. अब देखते हैं मोनोसैकेराइड्स. इसके फेमस एग्जांपल आपने सुनोंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, देखो C6H12O6, बट फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि ग्लूकोज कंटेन करता है CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, एंड फ्रक्टोज कंटेन करता है CO ग्रुप मतलब कीटोन ग्रुप. नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, देखो सबसे पहले हम सुक्रोज बनाते हैं. तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है विद एसिड, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है. क्या? सुक्रोज ब्रेक होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में. नेक्स्ट स्टार्च से, तो स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो सिर्फ ग्लूकोज मिलता है, जिसकी रिएक्शन ये रही. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में देखो क्या क्या है. सबसे पहले तो लीनियर चेन है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 2-degree अल्कोहलिक ग्रुप है और 1 degree अल्कोहलिक ग्रुप है जिसका स्ट्रक्चर ये रहा. नेक्स्ट टेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर की, अगर हमने ये वाला स्ट्रक्चर बताया है तो इसका टेस्ट करके दिखाओ कि ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट है या नहीं. तो पहला है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को वेरीफाई करने के लिए हम रिएक्शन कराते हैं HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से, जो कि एक नॉर्मल हेक्सेन में जो देता है, एक लीनियर चेन ऑफ कार्बन देता है जो ये वेरीफाई करता है कि एल्डिहाइड में लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन होता है. नेक्स्ट है उसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, इसको वेरीफाई करो. तो इसमें रिएक्शन होते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से और देता है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, 5-एसिटेट वाला ग्लूकोज देता है. तो इससे प्रूफ होता है कि इसके पास 5 OH ग्रुप होते हैं, जिसकी रिएक्शन ये रही. नेक्स्ट है CHO ग्रुप की प्रेजेंस दिखाओ. तो CHO ग्रुप की प्रेजेंस को दिखाने के लिए हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCN से या फिर हाइड्रोक्सिलामीन से. तो आप HCN से रिएक्शन करवाना और इसका प्रोडक्ट बनेगा साइनोहाइड्रिन. तो अगर ये साइनोहाइड्रिन बनता है, और इसमें बनता है इसलिए इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है. तो हमने सारे टेस्ट करके दिखा दिए कि ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 4 2-degree अल्कोहलिक ग्रुप होता है और 1 degree अल्कोहलिक ग्रुप होता है. नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट फॉर्म्स ग्लूकोनिक एसिड. बट यही ऑक्सीडेशन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 करता है तो 1 degree OH एंड CHO दोनों ही क्या होंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. नेक्स्ट ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसको D+ ग्लूकोज नाम से जाना जाता है. देखो D+ ग्लूकोज का मतलब क्या है, मैंने आपको नोट में बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है. डी डेक्स्ट्रो और लेवो को शो नहीं करता, ये एक स्पेसिफिक कॉन्फिग्रेशन को शो करता है कि OH राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा. यह भी आपको फर्दर एग्जांपल में पता चलेगा. ये प्लस माइनस शो करता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है. और ये ग्लूकोज मतलब यहाँ पे कंपाउंड का नाम आता है, तो इस तरीके से इसका नेमिंग कन्वेंशन है. नेक्स्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट एक्सप्लेन बाय लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. दैट इज वाई हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी देखते हैं ग्लूकोज के, जिसे एनोमर्स कहा जाता है. तो इसमें होता क्या है, कार्बन 1 के साथ ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड हो जाता है और अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज दे देता है. अल्फा डी ग्लूकोज तब होता है जब फर्स्ट वाला कार्बन पर राइट साइड OH होता है, और बीटा डी ग्लूकोज तब होता है जब फर्स्ट वाले कार्बन के लेफ्ट साइड OH ग्रुप होता है, जिसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ये रहा. एंड ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनेंशियोमर नहीं होते, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं होते हैं. नेक्स्ट है पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. देखो पायरेनोज नाम इसका इसलिए है क्योंकि ये पायरेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. 5 carbon ऑक्सीजन से जब साइक्लिक टर्म में अटैच रहते हैं तो उसे पायरेन कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, बना रखा है मैंने. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर की वजह से इसको पायरेनोज कह रहे हैं, क्योंकि हमने ग्लूकोज को पायरेन लाइक स्ट्रक्चर की तरह कन्वर्ट करा है, जिसके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ये रहे. नेक्स्ट है फ्रक्टोज. फ्रक्टोज भी सेम मोनोसैकेराइड होता है, फॉर्मुला सेम होता है ग्लूकोज की तरह C6H12O6. फर्क इतना होता है कि इसके पास कीटोन ग्रुप होता है और ये होता है D- फ्रक्टोज. नेक्स्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, सेम वैसा ही होता है, ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन बॉन्डेड हो जाते हैं जो कि अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज बनाते हैं, जिसके स्ट्रक्चर ये रहे. जब OH ग्रुप राइट साइड है तो अल्फा, जब OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो बीटा.
जो कि आप स्ट्रक्चर में इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट है फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। आप पायरेनोज भी बना सकते हो लेकिन हम फ्यूरिनोज को ज्यादा पढ़ते हैं फ्रक्टोज के लिए। अब फ्यूरिनोज का मतलब फ्यूरेन लाइक स्ट्रक्चर होगा तो फ्यूरिनोज होगा। तो अल्फा डिफ्रक्टोज एंड बीटा डिफ्रक्टोज के फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर ये रहे आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब जो दो मोनोसैकेराइड देते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जैसे सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। तो सुक्रोज को देख लेते हैं। देखो सुक्रोज क्या करता है, जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज देता है फ्रक्टोज देता है। लेकिन इसमें याद क्या रखना कि जब सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड नहीं हुआ तो इसका रोटेशन डेक्सट्रो रोटेटरी, क्योंकि यहाँ प्लस में है, लेकिन आफ्टर द हाइड्रोलिसिस जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गए तो इसका प्लस 52 फ्रक्टोज का माइनस 92। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल इसका क्या आ रहा है, माइनस में आएगा लीवो रोटेटरी आएगा। तो प्लस से माइनस हो जाना रोटेशन का, डेक्सट्रो से लीवो जाना। और ये कंपाउंड जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं, क्योंकि इन्वर्जन हो गया किसका, रोटेशन का। ये रहा स्ट्रक्चर सुक्रोज का, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देते हैं तो ये रहे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और मिलके क्या बना रहे हैं सुक्रोज, जो कि बॉन्डेड है, लिंक है एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है कि जब मोनोमर बॉन्डेड होते हैं थ्रू ऑक्सीजन देन इट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मैंने यहाँ लिखा हुआ है विद स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज हाइड्रोलिसिस पर दोनों ही मॉलिक्यूल क्या देता है, ग्लूकोज, मतलब कि ये ग्लूकोज से मिलकर बना होता है माल्टोज थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये रही। नेक्स्ट लैक्टोज। लैक्टोज क्या देता है, गैलेक्टोज देता है दोनों मॉलिक्यूल, और दोनों गैलेक्टोज किससे कनेक्टेड होता है थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड देते हैं, जैसे स्टार्च सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। पहले स्टार्च को देख लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको स्टार्च का बताऊं तो आपको आलू को देखना चाहिए, पोटैटो। तो उस आलू में जो व्हाइट लिक्विड होता है उसे स्टार्च कहते हैं। बेसिकली स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, एंड ये स्टार्च दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या होता है, एक लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज से ही 15-20%। बट अगर वो ब्रांच्ड वे में है अल्फा डी ग्लूकोज तो उसे अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, जो 80-85% ऑफ द स्टार्च कंटेन करता है। इसका स्ट्रक्चर ये रहे दोनों के। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हमारे नेचर में बहुत मिलता है, और ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब कि बीटा डी ग्लूकोज एक मोनोमर होता है, जब बहुत सारे मोनोमर को मिलाते हैं तो एक पॉलीमर बनता है। तो पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज मिलेंगे तो एक पॉली बीटा डी ग्लूकोज बनेगा, जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। ये रहे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये पूरा स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज का। नेक्स्ट ग्लाइकोजन। तो ये बॉडी में प्रेजेंट होता है, और जब भी बॉडी को नीड होती है ग्लूकोज की, एनर्जी की, तो कुछ एंजाइम्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक कर देते हैं, विच एक्ट्स एज अ फ्यूल इन आवर बॉडी। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बहुत सिंपल है, रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं जो फेलिंग और टॉलन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सारे मोनोसैकेराइड तो रिड्यूसिंग शुगर होते ही होते हैं। नेक्स्ट नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो टॉलन और फेलिंग को रिड्यूस नहीं कर सकते, जैसे सुक्रोज। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डर्स का फेवरेट टॉपिक है प्रोटीन्स, तो इसको पढ़ लो। प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं। किसके यूनिट से, अल्फा अमीनो एसिड की। अभी पता चलेगा अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं। और रिच सोर्स या प्राइमरी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन क्या हैं, एग वाइट्स, फिश, मिल्क, चीज, जो कि हमारी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो अमीनो एसिड बनता है, या फिर अल्फा अमीनो एसिड बनता है। अमीनो एसिड भी बहुत तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। देखो अमीनो एसिड दो तरह के ग्रुप को कंटेन करते हैं, एक NH2 एमीन ग्रुप, CWH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इन दोनों ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उसको नेम देते हैं अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। हमारे लिए अल्फा अमीनो एसिड ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं, एंड अल्फा अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, मतलब कि अल्फा अमीनो एसिड जब बहुत सारे मिल जाएंगे तब वो प्रोटीन को बनाते हैं। ये रहा अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, वेयर आर इज अ साइड चेन, मतलब यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड अटैच होते रहेंगे, और उस कंपाउंड के अटैच अलग अलग होने के साथ साथ ही उसके नेम भी चेंज होते रहेंगे। कुछ एग्जांपल्स हमने अमीनो एसिड के पढ़े हैं, जैसे ग्लाइसिन, वैलाइन, ल्यूसीन, आर्जिनाइन एंड प्रोलाइन, जिसमें मैंने स्टार लगा रखे हैं, वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हमें एक्सटर्नली अपनी बॉडी में कंज्यूम करने पड़ते हैं, या हमारी बॉडी खुद क्रिएट नहीं करती, इसमें मैंने लिखा हुआ है। एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी खुद बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, बना सकती है, वो हमें बाहर से लेने की इतनी जरूरत नहीं होती है। एंड अमीनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि वो वाटर में घुल जाते हैं। तो एक्व सॉल्यूशन में क्या होता है, अमीनो ग्रुप का COOH का H वाला पार्ट NH2 के पास H+ आयन के फॉर्म में चला जाता है और डाइपोलर बन जाता है। डाइपोलर मतलब एक ही कंपाउंड में क्या आ गए, दो पोल आ गए, जिसे ज्यूटर आयन कहते हैं। और एमीन के पास क्यों गया, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, जिसका स्ट्रक्चर ये रहा। नेक्स्ट है पेप्टाइड्स।
तो अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन हाइड्रोलाइज होकर पेप्टाइड बनाता है और पेप्टाइड फर्दर हाइड्रोलाइज होकर अल्फा अमीनो एसिड बनाता है। तो पेप्टाइड क्या होते हैं वो देखो, सबसे पहले समझो पेप्टाइड लिंकेज क्या होते हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज वो होते हैं कि जब दो अमीनो एसिड्स आपस में रिएक्शन करके H2O को निकाल रहे हैं तो तब वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, और उस कंपाउंड को पेप्टाइड कहा जाता है। जैसे दो से बना है, दो अमीनो एसिड से बना है तो इसे डाई पेप्टाइड कहेंगे, जिसका स्ट्रक्चर ये रहा। नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड, ये दो से बना है, जब इसको मैं 200 कर दूंगा या और ज्यादा कर दूंगा तो इन्हें पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, फर्स्ट है फाइब्रस, सेकंड है ग्लोबुलर। तो फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो पैरेलली रन करते हैं, पैरेलली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं एंड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे केराटिन एंड मायोसिन। ग्लोबुलर प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो एक कॉइल की फॉर्म में कनेक्टेड रहेंगे, एक स्फेरिकल शेप को बनाएंगे वो, और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे इंसुलिन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो हमें चार लेवल के स्ट्रक्चर को देखना है प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड लगे हुए हैं वो किस सीक्वेंस में है वो बताता है। देखो हर एक स्ट्रक्चर अपने पिछले वाले स्ट्रक्चर से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें शेप पता चलती है कि पॉलीपेप्टाइड चेन की शेप क्या है, जो कि दो टाइप की होती है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीटेड शीट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टर्शरी, टर्शरी एक 3D स्ट्रक्चर देता है हमें, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और ज्यादा फोल्ड कर देता है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा। एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये 3D को भी और फोल्ड करके बनता है, जिसके स्ट्रक्चर ये रहे, आपके एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर है ये। देखो प्राइमरी सबसे सिंपल है, उससे कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्शरी जिसमें और ज्यादा फोल्ड्स हैं, एंड सबसे ज्यादा फोल्ड्स किसमें, क्वार्टरनरी जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एक ऐसा प्रोसेस है जो फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को तो कुछ भी चेंज नहीं करेगा प्रोटीन्स की, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका बॉइलिंग ऑफ एग, कि एग वाइट्स पहले कैसे होते हैं लिक्विड, बाद में कैसे होते हैं रबर लाइक सब्सटेंस, वो जो है वो प्रोसेस होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना। नेक्स्ट है एंजाइम, देखो एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जैसे माल्टोज, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज अभी आपने देखा। नेक्स्ट है विटामिंस, तो विटामिंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी फंक्शन, जो कि हमें डाइट से कंज्यूम करने चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिंस, फर्स्ट है फैट सॉल्युबल, जो फैट में सॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, कौन कौन से होते हैं एडेक, विटामिन ए डी ई के। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिंस, तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिंस कहते हैं, जैसे विटामिन बी ग्रुप, विटामिन बी के सारे और सी। ये टेबल मैंने क्रिएट करी है आप लोगों के लिए, इसमें मैंने विटामिंस, उसका केमिकल नेम, उसके डिजीज और उसके सोर्स सब मेंशन कर रखे हैं, जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, उससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात को दिखना बंद हो जाएगा, अभी मत कहना रात को दिखता ही नहीं है। सोर्सेज है मिल्क, बटर, फिश ऑयल, कैरेट्स। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी होता है इससे, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, आंवला, नींबू, सब खाओ। विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग होती है इससे, ग्रीन लीफी वेज खाओ। सो दिस इज योर टेबल ऑफ विटामिंस। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स, देखो न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं ये भी आपको पता चलेगा, और क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है तो इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की बात करी थी, तो न्यूक्लियोटाइड फर्दर तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, जो कि डीएनए को समझने के लिए बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस पहला, दूसरा 5 कार्बन के शुगर, थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस फर्दर 5 तरह के होते हैं, और उन 5 को पहले 2 में डिवाइड कराया है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। बहुत सिंपल है, प्यूरिन्स मतलब जिनमें 2 रिंग होगी, पिरिमिडिन्स मतलब जिसमें 1 रिंग होगी। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पिरिमिडिन्स के, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, और प्यूरिन्स के एडिनिन, गुआनिन। इसमें थायमिन एंड यूरेसिल जरूरी याद रखना, इसी की वजह से डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होता है। तो इसमें देखो ऊपर वाले जितने भी हैं ये सिंगल रिंग वाले हैं, जो सारे पिरिमिडिन्स है, ये सारे डबल रिंग वाले हैं, रिंग मतलब साइक्लो की बात कर रहा हूँ, ये सारे प्यूरिन्स है क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग है। अब डीएनए क्या कंटेन करके रखता है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, और आरएनए कंटेन करता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो डिफरेंस किसमें है, थायमिन और यूरेसिल में। नेक्स्ट है शुगर, इसमें 5 कार्बन के शुगर होते हैं जिसे पेंटोज कहा जाता है। पेंटोज इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 कार्बन है, तो आरएनए में आर है इसलिए राइबोज होता है, डीएनए में डी है तो डीऑक्सीराइबोज होता है, और डीऑक्सीराइबोज ज्यादा स्टेबल होता है राइबोज से, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज में 1 ऑक्सीजन कम है, 1 फंक्शनल ग्रुप कम है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है।
डीऑक्सी मतलब डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का, इसलिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होता है। नेक्स्ट है फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फेट ग्रुप चार ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है और माइनस ऑक्सीजन के ऊपर उसकी बॉन्ड के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर ये रहा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोसाइड होते हैं जब बेस के साथ सिर्फ शुगर अटैच है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं जब बेस के साथ शुगर भी अटैच है और शुगर के साथ फॉस्फेट भी अटैच है, मतलब बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। और इस न्यूक्लियोटाइड की वजह से हमारा डीएनए बनेगा अभी। तो डीएनए का एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लो, ये हो गया हमारा बेस के साथ शुगर अटैच के साथ फॉस्फेट अटैच, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसके नीचे सेम एक ऐसी न्यूक्लियोटाइड है। अब इसका फिफ्थ कार्बन नीचे वाले का और ऊपर वाले का थर्ड कार्बन आपस में अटैच हो जाएंगे। देखो ये फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो गया, फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप थर्ड कार्बन के कार्बन से अटैच हो गया और यही स्ट्रैंड बनते हैं बाद में डीएनए के। ये बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और ये जो कंपाउंड बन रहे हैं फिफ्थ कार्बन जो थर्ड कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो रहा है उसे डीएनए का स्ट्रैंड बनता हो जाएगा। एक नोट मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे जो कि इस बॉन्ड को सिंपल वे में दिखा रहा है कि शुगर फॉस्फेट आपस में बॉन्डेड है और बेस जो है शुगर से अटैच है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो ये डीएनए के जो ये दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं जिसमें आपको ये 5-4-3 दिख रहा है, 5-4-3 कार्बन है और ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब पैरेलल तो होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में, एक का फिफ्थ कार्बन होगा तो दूसरे का थर्ड कार्बन होगा। और ये जो बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये बेस के बीच में है। बेस कौन कौन से? ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। तो एडेनिन एंड थायमिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। और ये स्ट्रैंड किससे बन रहे हैं? जब हमने ये वाला स्ट्रक्चर देखेगा, ये वाला स्ट्रक्चर था हमारा स्ट्रैंड का, डबल बॉन्ड बना रहे थे ये बेस, ये वाले बेस, जब हमने पांच तरह के पढ़े थे ये वाले, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन। तो ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर, ये रही डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि हमने सारी डिस्कस कर ली है। एंड लास्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। देखो आरएनए क्या होता है? डीएनए का ही पार्ट होता है एक तरीके से। सिंगल स्ट्रैंड कर दो डीएनए को तो वो आरएनए है। तीन तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तीनों के अलग अलग काम है अकॉर्डिंग टू दियर टाइप्स। आई होप आपने बायो मॉलिक्यूल्स को रिवाइज किया होगा। पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड बी हैप्पी।